हेलो एवरीवन, दिस इज राजेश, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड से फ्लेंज बीम का डिजाइन कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और फ्लेंज बीम होता क्या है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो सब हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज से पहले हमने अभी तक जो बीम था, मेन फ्लेंज बीम को छोड़ करके फ्लेंज बीम से ऊपर का पोर्शन, जैसे वर्किंग स्ट्रेस में हमने सिंगली रेनफोर्स डबली रेनफोर्स अच्छे से कवर कर लिया है, उससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट भी हुआ है। तो आज जो है हम इससे आगे, यानी कि कल जो हमने पढ़ा था उससे आगे हम यहाँ पे देखेंगे फ्लेंज बीम होता क्या है। तो फ्लेंज बीम वैसा बीम जिसमें वेव और फ्लेंज दोनों होंगे, यानी कि अगर फ्लेंज बोलते हैं उसको, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फ्लेंज हो गया, और ये हो गया, इसको हम लोग वेव बोलते हैं। ठीक है, ये वेव हो गया। फ्लेंज बीम दो तरीके का होता है, एक एल बीम और एक दूसरा, एक एल बीम हो गया और दूसरा क्या हो गया, टी बीम। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें जो है, यहां से अगर यहां से लेकर के इस पार्ट को कंसीडर करें तो ये आपको एल बीम की तरह दिख रहा होगा, उसी तरह से उस साइड भी एल बीम एक दिख रहा होगा, और ये बीच का पार्ट जो है ये टी के टाइप का, आपको टी के शेप का दिख रहा होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टी बीम और ये एल बीम। तो टी बीम हो या एल बीम हो, दोनों जो है एक फ्लेंज बीम का पार्ट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लेंज बीम इसी को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि फ्लेंज बीम का में क्या क्या एलिमेंट होते हैं। तो उसमें उसके अंदर जो है, जैसे हो गया बीएफ से डिनोट करते हैं इफेक्टिव विड्थ को, और बीडब्ल्यू जो वेव होता है, वेव के विड्थ को हम लोग बीडब्ल्यू से डिनोट करते हैं, डीएफ हो गया फ्लेंज का जो डेप्थ होता है या थिकनेस ऑफ फ्लेंज। ठीक है, और फिर बी जो हो गया, बी क्या हो गया, एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लेंज। ठीक है, सॉरी, एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लेंज। ठीक है, यानी कि मान लीजिए अगर ये हमारा एक टी बीम है, ठीक है, टी बीम एक फ्लेंज बीम होता है, तो एक टी बीम है, तो इसका मान लीजिए एक्चुअल जो है यहां से लेकर के यहां तक ये एक्चुअल है। ठीक है, और हमारा जो इफेक्टिव है, क्या इफेक्टिव मान लीजिए इतना है, तो इस तरीके से हम लोग इफेक्टिव हो गया और एक्चुअल हो गया। और एलनट जो है डिस्टेंस, अब मान लीजिए जैसे ये क्या होगा, इस तरीके का हमारा बीम, ये फ्लेंज बीम होगा, और इस पर से कुछ इस तरीके से हमारा जो है स्पैन होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा स्पैन होगा, उसी का लेंथ जो होता है एंड टू एंड डिस्टेंस, वही एलनट। एलनट हम लोग इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्पैन को हम लोग एलनट से डिनोट करते हैं। तो ये सब कुछ टर्म हो गया। इसमें डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि आपको इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज बताइए कितना होता है। तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज एक आइसोलेटेड टी बीम होता है, जैसे ये तो मिक्स है टी, इसके साथ एल के साथ ये मिक्स है, तो ये टी बीम हो गया। और आइसोलेटेड टी बीम मीन्स सिर्फ और सिर्फ टी बीम है, उसके साथ एल बीम और दूसरा टी बीम कोई एसोसिएटेड नहीं है, सिंगल है टी बीम। तो ये क्या हो गया, आइसोलेटेड टी बीम, और ये हो गया, इसको हम लोग सिर्फ टी बीम बोलेंगे, एल बीम बोलेंगे। और आइसोलेटेड एल बीम भी होता है, मान लीजिए यहाँ पे ये नहीं रहता, इतना ही पार्ट रहता ये, तो क्या होता है, आइसोलेटेड एल बीम। तो चारों केस के लिए अलग अलग उसका क्या होता है, इफेक्टिव विड्थ होता है। तो सबका इफेक्टिव विड्थ किसी एक सेक्शन का दे देगा कि आपको ये आइसोलेटेड टी बीम है, और इसका जो एक्चुअल विड्थ है ये है, वेव का विड्थ ये है, और स्पैन जो है उसका वैल्यू ये है। तो आपको बताना है क्या, इसका इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज क्या होगा। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो यहां से आप इस फॉर्मूला को यूज करके देखिए, यहाँ पे ये अगर टी बीम है, तो टी बीम में का अगर इफेक्टिव विड्थ निकालना है, तो एल नॉट बाय सिक्स प्लस बीडब्ल्यू, बीडब्ल्यू क्या है, विड्थ ऑफ वेव, वेव का विड्थ है। ठीक है, और सिक्स इंटू डीएफ, डीएफ क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लेंज। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, या फिर जो एक्चुअल विड्थ है, ठीक है, एक्चुअल जो विड्थ है फ्लेंज का, वो ये दोनों में से जो लेस हो, यानी कि जो कम हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज। ठीक है, उसके बाद अगर आइसोलेटेड हो गया, आइसोलेटेड के केस में एल नॉट डिवाइडेड बाय एल नॉट बाय बी प्लस फोर। ठीक है, एल नॉट बाय बी, ये बी जो है कैपिटल बी है, ठीक है, ये स्मॉल बी हो या अगर सिर्फ बी लिखेंगे, कहीं पे स्मॉल बी भी लिखता है, कहीं पे कैपिटल बी भी लिखता है, अगर सिर्फ बी लिखेंगे इसका मतलब जो एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लेंज है वो है, अगर इफेक्टिव रहेगा तो उसको बी एफ से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे हो गया एल नॉट बाई बी प्लस फोर प्लस बी डब्ल्यू। ठीक, तो इसमें अगर ऐसे बोल सकते हैं, जो ये है इफेक्टिव विड्थ क्या है, जो ये क्या होगा, बी डब्ल्यू हो गया प्लस
ये दोनों मिक्स करके, तो ये जो हो गया क्या हो गया हमारा, ये जो हो गया ये दोनों का सम हो गया, ठीक है, एल नॉट बाई बी प्लस फोर, ठीक है। तो इस तरह और बी एक्चुअल वेट, तो ये दोनों में से जो कम होगा वो ले लेंगे। अब इसी तरह से एल के लिए बात करेंगे, तो एल में क्या होता, एल में क्या होगा, तो एल में तो हमारा सिर्फ ये पार्ट आधा हो रहा है, यानी कि बी डब्ल्यू तो रहेगा ही, ठीक है, टी में जो बी डब्ल्यू आ रहा है वो तो रहेगा ही, प्लस जो बाकी बी डब्ल्यू के अलावे जो पार्ट है वो क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो क्योंकि ये पार्ट में से एक ही पार्ट हो रहा है, बच रहा है उसमें एल में, तो इसमें हो जाएगा, देखिए एल बी में है, तो एल बी में यहाँ पे देखिए टी, अगर कोई एक फॉर्मूला आप या ध्यान रख लेंगे, ये दोनों मतलब सिर्फ टी का अगर ध्यान रखेंगे तो एल का भी निकल जाएगा, और सिर्फ एल का अगर ध्यान है आपको तो टी का भी निकल जाएगा। तो ये देखिए ये क्या है हमारा बी डब्ल्यू है, यानी कि इफेक्टिव विड्थ ऑफ वेव, ये बी डब्ल्यू है, तो बी डब्ल्यू यहाँ पे डायरेक्ट आ गया। अब टोटल ये जो बचा हुआ है इसको क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, एल नॉट बाई सिक्स प्लस सिक्स डी एफ को क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, तो एल नॉट बाई सिक्स को हाफ करेंगे तो एल नॉट बाई ट्वेल्व हो गया, सिक्स डी एफ को हाफ करेंगे तो थ्री डी एफ हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और बी ये दोनों में से जो कम होगा उसके लिए बी का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ऐसे जो एल बी में है, एल के लिए बी का वैल्यू सिर्फ इतना ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका इफेक्टिव विड्थ निकाल सकते हैं एल बीम का। उसी तरह से अगर आइसोलेटेड एल बीम है तो आइसोलेटेड एल बीम के केस में ये क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, बाकी बी डब्ल्यू ऐसे ही रह जाएगा, तो बी डब्ल्यू ऐसे ही होकर आ गया और बाकी ये क्या हो गया, हाफ हो गया, 0.5 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज टी बीम का या एल बीम का, यानी कि ओवरऑल कहें तो फ्लेंज बीम का हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे फ्लेंज बीम का एनालिसिस, जैसे न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे फ्लेंज में लाई कर रहा है तो क्या होगा, वेव में लाई कर रहा है तो क्या होगा, उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालेंगे, सब कुछ हम लोग एक एक करके यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अब एक आइसोलेटेड टी बीम को एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। ये जो है हमारा एक आइसोलेटेड टी बीम है, यहाँ पे हम लोग एक केस लिए हैं, सब फर्स्ट केस कि जब मान लीजिए न्यूट्रल एक्सिस जो है यहाँ पे व्हेन न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन फ्लेंज, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस जब फ्लेंज में लाई करेगा, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ हमारा ये हो गया। इसके बाद क्या होगा इस केस में, और आपको पता है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो होता है वो कंप्रेशन जोन होता है और नीचे टेंशन जोन होता है। नीचे अगर कंक्रीट रहे या नहीं रहे हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ स्टील को कंसीडर करते हैं, ऊपर हमें कंक्रीट चाहिए, ऊपर हमें कंक्रीट को लेना पड़ेगा। तो अगर इस केस में जब न्यूट्रल एक्सिस हमारा जब क्या करे, सबसे पहले न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ निकालना होगा, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ निकालेंगे कैसे, और इसको देखेंगे कि वो जो है बी एफ से कम है कि ज्यादा है क्या है। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा क्या रहेगा, इसको हटा करके सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, आप अगर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लीजिए, तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकलेगा, वही फॉर्मूला जो हम लोग वर्किंग स्ट्रेस में यूज करते हुए आए हैं, एम सिग्मा सीबीसी डिवाइडेड बाई एम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एसटी, ठीक है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, या फिर इसको एक्स इक्वल टू के डी, एक्स इक्वल टू के डी करके भी हम लोग इंटू डी, ठीक है, इंटू डी करके के डी करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे, ठीक है, एक्स ए एक्चुअल एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते हैं, जो एरिया होता है उसका मोमेंट लेकर के, ठीक है, एरिया का मोमेंट लेंगे, तो जैसे ये हो गया, इसके लिए क्या हो गया एरिया, बी एफ इंटू एक्स ए, बी एफ इंटू एक्स ए, ये हो गया इसका एरिया बी एफ इंटू एक्स ए, इसका मोमेंट लेना है न्यूट्रल एक्सिस से, तो ये जो फोर्स रहेगा ये कहाँ पे लाई करेगा, एक्स ए बाई टू पे, न्यूट्रल एक्सिस से एक्स ए बाई टू पे लाई करेगा, ठीक है। इसको इक्वल करना है किसके, जो ये क्या हो गया, ये एम ए एस टी हो गया, ठीक है, एम ए एस टी इंटू एम इंटू ए एस टी, ये क्या हो गया एरिया, इसका मोमेंट लेना है, मोमेंट के लिए ये डिस्टेंस हमें चाहिए, ये टोटल जो है हमारा क्या है, ये जो टोटल डिस्टेंस है मैंने आपको बताया था टोटल डिस्टेंस क्या है, डी डी, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी माइनस एक्स ए,
तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डी माइनस एक्स ए से। यहाँ पे हमें सबका वैल्यू पता रहेगा, सिर्फ यहां से एक्स ए निकालना होगा। ठीक, एक्स ए निकालेंगे और एक्स ए को चेक करेंगे कि ये जो है हमारा डीएफ से, ये जो डीएफ टोटल लेंथ क्या, टोटल ये विड्थ क्या होता है डीएफ, इससे कम है या ज्यादा है। जब एक्स ए का वैल्यू डीएफ से कम है या उसके बराबर भी है, व्हेन एक्स ए इज लेस देन और इक्वल टू डीएफ, तब ये केस अप्लाई होगा, केस वन। दो ही केस हो सकता है यहां पे, इसके तो इसके हेल्प से, और क्या होगा, और एक्स का वैल्यू, एक्स ए का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन डीएफ होगा, यही वैल्यू हो सकता है ना। बाकी तीसरा केस तो यहाँ पे राइज नहीं हो सकता है, तो अगर ये वाला केस राइज होगा तो फर्स्ट केस ये हो गया और सेकेंड केस ये हो गया। तो फर्स्ट केस ले लेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन फ्लेंज, और इसका मतलब क्या हो गया, न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन द वेव। ठीक है, समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे कि फर्स्ट केस, इसको लेकर के चलेंगे, इसको लेकर के चलेंगे और क्या होगा रिजल्ट, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ये हम लोग देखेंगे। तो जब हम हमारा न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में लाई कर रहा है, तो फ्लेंज में अगर लाई कर रहा है तो यानी कि इस डिस्टेंस में है, इस जो ये जो विड्थ है इतना में है, तो हमें क्या चाहिए, जो फ्लेंज मतलब न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का पार्ट है, हमें हम जानते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का पार्ट में हम लोग सिर्फ कंसिडर किसको करते हैं, कंक्रीट को, और नीचे किसको कंसिडर करते हैं, सिर्फ स्टील को। ठीक है, तो नीचे अगर मान लीजिए कंक्रीट भरा पड़ा है, हमें कोई मतलब नहीं है, उसको क्या करना है, सिर्फ कंसिडर करना है किसको, स्टील को। लेकिन ऊपर, ऊपर करना है किसको, कंक्रीट को। ऊपर हमारा जितना कंक्रीट है उतना ही कंक्रीट लेंगे, कम ज्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का जितना जो हमारे पास कंक्रीट है वही इसका कंप्रेशन रेसिस्ट करेगा, और नीचे अगर मान लीजिए आप कंक्रीट भर भी दीजिए इस एरिया में भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें किससे मतलब है, स्टील से। तो इसको जो एनालाइज करेंगे हम, इसको एनालाइज करने के लिए एक हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन ले लेंगे। ठीक है, जिसका विड्थ जो है बी एफ रहेगा और डेप्थ जो है डी रहेगा। ठीक है, इस केस में क्या करेंगे, इस केस में एनालाइज और एनालिसिस और डिजाइन किस पे, किस बेसिस पे होगा, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन पे। इस केस में लिखिए एनालिसिस एंड डिजाइन विल बी सेम एज दैट ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ विड्थ बी एफ एंड डेप्थ डी। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन ले लेंगे जिसका विड्थ जो है क्या होगा, विड्थ बी एफ होगा, जो विड्थ आपको बी एफ दिख रहा होगा, और डेप्थ डी हो जाएगा, स्मॉल डी, इफेक्टिव डेप्थ वाला। तो इस साइड का अगर हम रेक्टेंगुलर सेक्शन ले लेंगे जिसका जो क्रिटिकल एक्सिस है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है वो फ्लेंज में यानी कि डीएफ या उससे कम है न्यूट्रल एक्सिस का वैल्यू, तो उस केस में अगर हम लोग बीएफ विड्थ का और डीएफ डी डेप्थ का अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन ले लेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी को हम लोग एनालाइज कर लेंगे। यानी कि ये क्या हो गया, वर्किंग स्ट्रेस मेथड का जो सिंगल रेनफोर्स सेक्शन था उसके तरह हो गया डिजाइन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ये केस आएगा यानी कि न्यूट्रल एक्सिस का वैल्यू अगर वेव में लाई कर रहा है, उस केस में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उस केस में हमें ये तो एरिया लेना ही पड़ेगा कंप्रेशन में, प्लस वेव का भी कुछ पार्ट आ सकता है। यहां पे हम कंक्रीट नहीं जोड़ सकते एक्स्ट्रा, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा कंक्रीट जोड़ेंगे तो फिर इसका वैल्यू, इसका वैल्यू आ जाएगा, कंसिडर हो जाएगा, जो कि हमें जो यहाँ पे दिया हुआ है नहीं, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको एक रेक्टेंगुलर सेक्शन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। तो अगर आपको देखना है तो हम फर्स्ट केस और सेकेंड केस दोनों यहाँ पे आपको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये केस तो आसान है, यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा हो गया
और इसके बाद जो है एक्चुअल डेप्थ ऑफ मेटल एक्सिस तो हमने निकाल ही लिया है, क्रिटिकल के साथ कंपेयर कर लेंगे, देख लेंगे अंडर इन्फोर्स्ड है या ओवर इन्फोर्स्ड है, अंडर इन्फोर्स्ड है या बैलेंस सेक्शन है, ओवर होगा तो क्या हुआ डब्ल्यू में चले जाएंगे हम लोग और फिर इस तरह से और एमओआर कैलकुलेट करेंगे। तो फाइनल स्टेप हमारा क्या रहेगा, एमओआर कैलकुलेट सबका वही है लास्ट में है, सबको क्या करना है कितना मोमेंट ये रसिस्ट कर सकता है। मोमेंट रसिस्ट करने का मतलब उस पर अगर लोड पड़ेगा कितना लोड तक उस पर देंगे तो वो कोलैप्स नहीं होगा, नहीं करेगा मतलब फेल नहीं होगा हमारा स्ट्रक्चर। तो क्या होगा हम सबका एमओआर निकाल लेंगे। तो इस केस में जो है एमओआर क्या हो जाएगा हमारा, एमओआर क्या होता है कंप्रेसिव फोर्स इंटू लिवर आर्म। तो कंप्रेसिव फोर्स इंटू लिवर आर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे ऊपर क्या लग रहा है एफसीबीसी, ठीक है एफसीबीसी इंटू एफसीबीसी क्या है स्ट्रेस है और ये जीरो तक आ रहा है ट्रायंगुलर है तो उसका एवरेज क्या हो जाएगा एफसीबीसी, पहले एरिया ले लीजिए एरिया कितना हो जाएगा बीएफ इंटू एक्स ए, ये क्या हो गया एरिया हो गया इंटू क्या करेंगे एफसीबीसी बाय टू, ये क्या हो गया कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म। लीवर आर्म क्या हो जाएगा टेंशन और कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस, तो टेंशन और कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस ये टोटल क्या है डी है और ये क्या है एक्स ए है और ट्रायंगुलर का ऊपर से कितना होता है एक्स ए बाई थ्री सी जी, तो ये क्या हो जाएगा डी माइनस एक्स ए बाई थ्री। यहां से क्या करेंगे एमओआर हम निकाल सकते हैं, ठीक है तो ये हो गया एमओआर। अगर टेंशन के साइड से निकाल, ये किसके साइड से हो गया कंप्रेशन के साइड से, अगर टेंशन के साइड से निकालना है ये हो गया कंप्रेशन, अगर टेंशन के साइड से निकालना है तो क्या हो जाएगा एफ एस टी बाई एम इंटू एम इंटू ए एस टी, ठीक है एरिया हो गया इंटू स्ट्रेस फोर्स हो गया इंटू लिवर आर्म डी माइनस एक्स ए बाई थ्री, ठीक है इस तरीके से निकल जाएगा कौन सा सेक्शन में जब हमारा जो क्रिटिकल सॉरी न्यूट्रल एक्सिस है वो फ्लैंज में जब लाई कर रहा है, तो जब फ्लैंज में लाई करे तब कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान हो जाएगा ये और सिंपली हम लोग बीम के तरह इसको डिजाइन कर लेंगे, जो सिंगल रेनफोर्स सेक्शन होता है उस तरह से हम लोग इसको डिजाइन कर लेंगे। और सेकेंड केस अब बात आती है का क्या, जब हमारा न्यूट्रल एक्सिस जो है वो वेव में लाई करें, वेव में लाई करें तो क्या करेंगे, जब वेव में लाई करेंगे तो उसके लिए हम लोग आगे ये स्टेप हम देखेंगे अभी क्या करते हैं। ये जो है हमारा सेकेंड केस है, सेकेंड केस क्या है जब हम न्यूट्रल एक्सिस जो है हमारा कहा वेव में लाई करें, तो न्यूट्रल एक्सिस जब वेव में लाई करेगा तो क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है और एक्स ए इसका डेप्थ ये क्या है डीएफ से ज्यादा है और बाकी आप देख रहे होंगे, और ये इस सेक्शन के लिए हमने ले लिया है अलग और अलग कंप्रेशन फोर्स और इसके लिए अलग कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है तो ये हो गया हमारा क्या अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको इसका हम लोग एक्चुअल जो कितना डेप्थ होगा वो हम निकालेंगे, ठीक है तो वो हम कैसे निकालेंगे टेंशन और कंप्रेशन का जो एरिया है उसको उसका मोमेंट लेकर के, ठीक है तो उसका मोमेंट लेकर के निकालिए आप निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट पहले सबसे पहले इसमें आइए टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना लग रहा है, तो ये कितना लग रहा है बीएफ इंटू डीएफ, ठीक है बीएफ इंटू डीएफ हो गया, इसका अगर मोमेंट लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मोमेंट कितना हो जाएगा एक्स ए यहां से न्यूट्रल एक्सिस से, इसका सीजी कितना हो जाएगा डीएफ बाई टू पे, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक्स ए माइनस यहां से ये हो गया एक्स ए और ऊपर हो गया डीएफ बाई टू, तो टोटल कितना हो गया ये एक्स माइनस एक्स ए माइनस डीएफ बाई टू, ये क्या हो गया इसका इस सेक्शन का हो गया। अब हमें इस सेक्शन का भी निकालना है, इस सेक्शन का निकालने के लिए क्या हो जाएगा ये प्लस कर देंगे टोटल कंप्रेसिव कंप्रेशन सेक्शन में ही आएगा ये, तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसके लिए हमारा हो जाएगा अगर एक्स ए में से डीएफ माइनस कर देंगे तो जैसे ये हो गया बी डब्ल्यू इंटू ये वाला जो हाइट है ये, तो ये क्या हो जाएगा एक्स ए माइनस डीएफ, एक्स ए माइनस डीएफ हो गया और उसके बाद इसका मोमेंट लेना है, तो इसका मोमेंट क्या हो जाएगा इसका मोमेंट हम लोग इसका सीजी से न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस, तो इसका सीजी कहां लाया करेगा एक्स ए माइनस डीएफ बाई टू पे, तो एक्स ए इंटू कर देंगे एक्स ए माइनस डीएफ बाई टू तो इसका स्क्वायर बाई टू कर देंगे, ठीक है इतना कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा टोटल कंप्रेसिव फोर्स हो गया, इसको क्या करेंगे टेंशन के बराबर कर देंगे,
टेंशन के बराबर क्या होगा, एम इंटू ए एस टी, ठीक है, एम इंटू ए एस टी हो गया। और यहां से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल एक्स ए है, यहां से यहां तक डी है, तो डी माइनस एक्स ए, डी माइनस एक्स ए, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक्स ए फाइंड कर लेंगे। जो हमने पहले निकाला था, पहले जो निकाला था डेप्थ ऑफ एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, वो कब निकाला था, जब एज्यूम किया था हमने कि जब वो जो न्यूट्रल एक्सिस है फ्लैंज में लाई कर रहा है, तब वो एज्यूम करके हमने निकाला था यहां। लेकिन एक्स ए का वैल्यू हमारा जो हो गया था वो डी एफ से ज्यादा आ गया था, जो कि उस केस में पॉसिबल नहीं था। तो हम मानेंगे कि जो डी मतलब न्यूट्रल एक्सिस है वो वेव में लाई कर रहा है, वेव में लाई करेगा, तो उसके लिए अलग से फिर से डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअल में कितना है वो निकालना पड़ेगा। तो यहां से हम लोग कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे, ये तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकल गया, उसके बाद इसको कंपेयर कर लेंगे कि अंडर है या ओवर है या बैलेंस है, ठीक है। इतना करने के बाद मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकाल लेंगे, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस मेन होता है, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालना ही, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालना होना चाहिए। तो एम ओ आर कैसे निकलेगा, एम ओ आर निकालने के लिए, एम ओ आर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसे कंप्रेशन साइड से निकालें। तो कंप्रेसिव फोर्स दो है, एक सी वन है एक सी टू है। सी वन हमारा देखिए इस टाइप का कुछ सेक्शन आ रहा है, ठीक, ये है एफ सी बी सी, ये एफ डैश सी बी सी, ठीक है, यहां पर ये कंप्रेशन लग रहा है, ठीक। तो इसका सीजी क्या हो जाएगा, यहां से इसका सीजी क्या हो जाएगा, और ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस जो है ये डी एफ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पता होगा एक जो ट्रेपेज़ियम होता है, अगर ये हमारा ट्रेपेज़ियम है, ये इसका ए है, ये बी है, और ये टोटल जो है ये हाइट है, ये एच, ठीक। तो यहां से सी जी मान लीजिए यहां पे है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा सीजी तक के बीच के, बॉटम से सीजी का डिस्टेंस क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो होता है एच बाई थ्री इंटू बी प्लस टू ए बाई ए प्लस बी, ठीक, ये होता है। तो यहां से यानी कि जो बड़ा वाला साइड है वहां से ये डिस्टेंस होगा, तो बड़ा वाला साइड क्या है एफ सी बी सी वाला, एफ सी बी सी से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, एच बाई थ्री मीन्स डी एफ बाई, ये जो हम निकालेंगे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एफ बाई थ्री, ठीक है, डी एफ बाई थ्री इंटू बी, बी कितना है यहां पे बड़ा वाला साइड, एफ सी बी सी, एफ सी बी सी प्लस एफ डैश सी बी सी टू टाइम्स डिवाइडेड बाय एफ सी बी सी प्लस एफ डैश सी बी सी, ठीक है, ये वैल्यू होगा क्या इसका सी जी। उसी तरह से दूसरे का, इसका तो सी टू का तो सी जी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, यहां से एफ डैश सी बी सी से जीरो पे आया तो कितना, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा ये यहां से, और यहां से ये क्या आ गया जीरो पे, तो ये जो डिस्टेंस होगा बाकी बचा हुआ जो एक्स, एक्स ए माइनस डी एफ, ये क्या है एक्स ए माइनस डी एफ है टोटल, तो ऊपर से थ्री पे बाय थ्री, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इसका सी जी। तो क्या करेंगे सी वन का सी, और जो लीवर आर्म क्या होगा, लीवर आर्म जो यहां से ये जो है सी वन से लेकर के ये टी, सॉरी ये टी होगा टेंशन, तो सी वन से टी के बीच का डिस्टेंस जो है इसके लिए लीवर आर्म हो जाएगा, सी टू से टी के बीच का डिस्टेंस जो है सेकेंड कंप्रेसिव फोर्स के लिए लीवर आर्म हो जाएगा। तो यहां से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो एम ओ आर निकालने के लिए फाइनली जो है एम ओ आर हम निकालेंगे, एम ओ आर जो हो जाएगा कंप्रेशन साइड में एक फ्लैंज और वेव दोनों के कारण हो जाएगा। तो मान लीजिए एम ओ आर फ्लैंज के कारण भी हो गया और एम ओ आर वेव के कारण भी हो गया। तो फ्लैंज के कारण सबसे पहले क्या होगा, फ्लैंज के कारण जो फोर्स होगा टोटल क्या हो जाएगा फोर्स, अब देख लीजिए, तो ये जो होगा एरिया क्या हो गया बी एफ इंटू डी एफ, एरिया हो गया इंटू उसका जो कंप्रेसिव फोर्स क्या आ रहा है, कंप्रेसिव फोर्स इसका एवरेज क्या हो जाएगा एफ सी बी सी, इसको आप मान लीजिए y, y बार, ठीक है y1 बार, ठीक है इसको y1 बार मान लीजिए। अब इसमें वैल्यू यहां पे पुट करना होगा, तो आप यहां से इसको इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा y1 बार और यहां पे डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा,
तो इसका जो एवरेज वैल्यू क्या हो गया, सी एफ सी बी सी प्लस एफ डैश सी बी सी बाई टू, ठीक है, यही होगा ना, इंटू इंटू क्या हो जाएगा, इंटू इस लीवर आर मीन्स डी माइनस ऊपर वाला सी जी, तो डी माइनस वाई वन बार, ठीक है। तो ये हो गया क्या सी वन के लिए, और उसके बाद सी टू के लिए भी करेंगे, ये क्या हो गया सी वन के लिए, अब सी टू के लिए करें, सी टू के लिए इसमें क्या करेंगे प्लस कर देंगे, कंप्रेशन साइड से निकाल रहे हैं इतना मेहनत लग रहा है, तो क्या करेंगे हम सी टू के लिए निकालेंगे, तो सी टू के लिए निकालने के लिए क्या करना होगा, ये वाला एरिया लेना होगा, ठीक। तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा बी डब्ल्यू इंटू एक्स ए माइनस डी एफ, एक्स ए माइनस डी एफ, ये हो गया इसका एरिया, इंटू क्या होगा एवरेज, एवरेज ये कितना है एफ डैश सी बी सी बाई टू हो जाएगा एवरेज स्ट्रेस, ठीक, इंटू लिवर आर्म, लिवर आर्म इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए जो लिवर आर्म होगा ये डिस्टेंस और प्लस ये डिस्टेंस, यानी कि डी एफ प्लस इसका सी जी, तो उसको माइनस कर देंगे, ये यहां से यहां तक क्या है एक्स ए है, इसमें से अगर ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे, इसमें से ये डिस्टेंस, सॉरी ये इधर टी है ना, यहां पे टी है, तो ये डी है हमारा, उसमें से अगर ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे ये क्या होगा, ये डिस्टेंस अगर डी में से माइनस कर देंगे तो ये इसका लिवर आर्म आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा डी एफ प्लस इसका सी टू का सी जी, तो डी एफ प्लस सी टू का सी जी क्या किसमें से माइनस करना पड़ेगा डी में से, तो ये क्या हो जाएगा डी माइनस डी माइनस डी एफ प्लस इसका सी जी क्या हो जाएगा, इसका सी जी जो होगा आप निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा एक्स ए माइनस डी एफ बाई थ्री, ठीक है, एक्स ए माइनस डी एफ बाई थ्री, ठीक है, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कंप्रेशन साइड से, तो इसी तरीके से हम लोग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस इसका निकालेंगे और जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर टेंशन साइड से निकालना है तो टेंशन साइड से निकालना बहुत ईजी है, टेंशन साइड से आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन टेंशन साइड से निकालना उतना भी ईजी नहीं है, क्योंकि टेंशन साइड से निकालने के लिए ये जो है आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए टेंशन साइड से भी निकालते हैं, ये हो गया कंप्रेशन साइड से, और टेंशन साइड से निकालते हैं, टेंशन साइड से क्या हो जाएगा यहाँ पे स्पेस यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे चलिए यहीं पे निकालते हैं एम ओ आर टेंशन साइड से, ये क्या हो जाएगा एम इंटू ए एस टी एरिया, ठीक, उसमें स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स, स्ट्रेस क्या है एफ एस टी बाई एम, ठीक, इंटू लीवर आर्म, लीवर आर्म क्या हो जाएगा ये दोनों यहां पे हम रब करके फेस लिख रहे हैं, ये हमारा क्या है सी टू, ये हो गया सी वन, ठीक, नेट सी कहीं पे लाई कर रहा होगा उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल है, ठीक, तो सी वन प्लस सी टू जो है कहां पे लाई करेगा, ये टोटल कितना डिस्टेंस है एक्स ए, तो एक्स ए वाई थ्री पे लाई करेगा कहीं, मान लीजिए एक्स ए वाई थ्री यहां पे लाई कर रहा है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये एक्स ए वाई थ्री है, तो यहीं पे कहीं हमारा सी लाई कर रहा होगा, इसका वैल्यू सी वन प्लस सी टू होगा, ठीक है, इसका ओवरऑल वैल्यू एक्चुअल में कहां लाई कर रहा होगा, जो इसका सी जी है वहीं पे, तो ये क्या हो जाएगा सी वन प्लस सी टू कहां पे लाई करेगा एक्स ए वाई थ्री पे, या फिर जो है आप इसको जो है निकाल सकते हैं आप, क्योंकि ये दोनों फोर्स अलग अलग है, यहां पे जो है हम इस तरीके से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि फोर्स दोनों जो है अलग अलग रहेगा, अगर फोर्स दोनों सेम रहता तो उसको हम लोग यहां से ऐसे निकाल सकते थे, लेकिन फोर्स दोनों अलग अलग है तो सीजी का वैल्यू ऐसे नहीं निकलेगा, सीजी का जो वैल्यू है मान लीजिए अगर ये वाई बार है, ठीक है, ये मान लीजिए वाई बार है, तो वाई बार का जो वैल्यू निकलेगा उसको हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे, वाई बार इक्वल टू सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू बाई सी वन प्लस सी टू, ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। तो यहां पे डायरेक्ट क्या करेंगे डी माइनस वाई बार से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो यहाँ से वाई बार का वैल्यू निकाल करके यहाँ पे पुट कर देंगे और जो भी आंसर आएगा हमारा इस तरीके से हम लोग निकाल करके और आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया एनालिसिस, ठीक है। इस पे अगर क्वेश्चन आपको करना होगा तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगर कराएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, कोशिश करेंगे। अगर होगा तो कल जो है कल के वीडियो में हम आपको इसका इस पे एक क्वेश्चन भी करवा देंगे, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो इस टॉपिक में आज जो है हमने फ्लैंज बीम के बारे में लगभग कंप्लीट फ्लैंज बीम का हमने एनालिसिस किया है, और एनालिसिस एंड डिजाइन दोनों किया। इस बेस्ड जो है एक क्वेश्चन करवा करके कल हम आपको इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा देंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सबसे पहले लाइक जरूर बनता है। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी प्लीज लाइक कर दीजिए, अगर लाइक आपने नहीं किया है तो। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक शेयर ये सब किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।